नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाल, गुड मॉर्निंग ओडिशा। मु शक्ति आउ आपनकु स्वागत करुछि आमर ए चैनल आजिरो ताजा खबर को। तो चलंतु नजर पकेबा आजिरो बछा बछा खबर उपरे। तो ता पूर्वरु जदि आपन माने आमर ए चैनल ले नुवाई वीडियो देखचोती पूर्वरु सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरास्तुवा बेल आइकन को बजे रखथांतु जातर कि प्रतिदिन खबर आपन माने सर्वप्रथमे जानि परिबे। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 रहिछे नुवा वेरिएंट को रोकिबो बूस्टर डोज। कोविडर नुआ वेरिएंट को रोकि परिबो बूस्टर डोज। खूब शीघ्र टीकाकरण पई केन्द्र को चिट्ठी लिखिबो राज्य। सूचना देले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग निर्देशक। कोविडर नुआ वेरिएंट को नहीं उभय केन्द्र और राज्य सरकार चिंतार थिबा बळे एहि संक्रमण को रोकिबा को एबे चालीछि घन घन बैठक। आउ यार भितरे बूस्टर डोज नुआ वेरिएंट को प्रतिहत करि परिबो बोली प्रतिक्रिया रखिछन्ती स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग निर्देशक विजय पाणिग्राही। तांकर कहिबा मुताबक बूस्टर डोज नुआ वेरिएंट को प्रतिहत करिपरिबो। अनेपटे गत नवंबर 28 रु सरकारी टीकाकरण बंद रहिछे, तेणु टीका जोगाण पई पूर्थरे केन्द्र को अनुरोध करा जिवो सह स्वास्थ्य विभाग पक्षरु केन्द्र को चिट्ठी लेखा जिवो बोली से सूचना देइछंती। तबे वर्तमान सुधा ओडिसा रे 8.14 कोटी टीका दिया सरिछि। 97% लोक प्रथम डोज नहीं सारिथिबा बेले 94% लोक द्वितीय डोज एवं मात्र 41% लोक प्रिक्सन डोज बा बूस्टर डोज नहीं छोती। तबे राज्य रे एबे भी 25 लाख लोक द्वितीय डोज आ 69% लोक बूस्टर डोज नहीं नहाती। तबे एने विजय पाणिग्राही प्रतिक्रिया रखी छंती। तो टीका जोगाण नाही, जति थिला सरी जाइछे, समस्त प्रकार टीका आमर सरी जाइछे, तथापि आमे सजाग छु संक्रमण को प्रतिहत करे पई ओडिसा सरकार सदा सर्वदा प्रस्तुत। तबे राज्य रो 12 टी बेसरकारी हॉस्पिटल ले टीकाकरण चलीछे। बाहर राज्यरु 16,17,000 टीका मगा जाइथिला बोली से सूचना देइछंती। तबे बूस्टर डोज नेइथिबा लोके सुरक्षित, नुआ वेरिएंट को बूस्टर डोज टीका प्रतिहत करिपरिबो बोली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग निर्देशक सूचना देइछंती। अधिक वृत्ति खबर, शेष होला संसदर शीत अधिवेशन। अनिश्चित काल जाए लोकसभा राज्यसभा स्थगित। संसदर शीत अधिवेशन समय पूर्वरु शेष होइछे। लोकसभा एवं राज्यसभा को अनिश्चितता काल पर्यंत स्थगित रखा जाइछे। लोकसभा रे चलित अधिवेशन रे 13टी बैठक अनुष्ठित होइछे। पूरा अधिवेशन 68 घंटा 42 मिनिट चलिथिला। सेभरी 9टी सरकारी विधेयक उपस्थापन करा जाइथिबा बेले 7टी विधेयक पारित होइथिला। संसद माने 374टी प्रसंग उठाइथिबा बेले December 20 ओ 21 रे संसद रे देश रे मादक द्रव्य रो बढ़ुथवा अपयोग नै नियम 193 रे चर्चा होइथिला। एथिरे 51 सदस्य भाग नै सेमानकर मतामत रखिथिले। शेषरे केन्द्र गृहमंत्री एनै उत्तर मध्य रखिथिले। एकप्रति खबर, आईपीएल मिनि नीलामी 13.25 कोटी टंकरे हेरि ख्यात धरिला हैदराबाद। मयंक अग्रवाल को किणवाकु जोर लगाइले चेन्नई ओ हैदराबाद। जानतु शेषरे किए मारिला बाजी। आरंभ है आईपीएल मिनि नीलामी। मोट 405 जन खेला मधु 87 जन खेला किणवाकु आरंभ हो नीलामी। आउ यार भितरे इंग्लैंड खेलाड़ी हैरी ब्रुक को 13.25 कोटी टंकरे किनी सनराइज हैदराबाद। हैरी बेस्ट प्राइस 1.5 कोटी थिबा बेले प्रथमे राजस्थान और बेंगलोर मधरे लड़ई देखा मिलता। तबे किंतु शेषे हैदराबाद एही रेस रे सामिल होवा सह हैरी को दल रे सामिल करथिला। सेहिभली भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल को मध्य 8.25 कोटी टंकरे किनी हैदराबाद। पुर सनराइजर्स हैदराबाद रो अधिनायक थिबा केन विलियमसन को बेस्ट प्राइस 2 कोटी टंकरे किनी गुजरात टाइटन्स। सेहिभली राहण को 50 लाख टंकरे किनी चेन्नई सुपर किंग्स। सेहिभली इंग्लैंड रो पूर्वतन अधिनायक जो रूट को प्रथम नीलामी में कौन सी फ्रांचाइज किणवाक आग्रह देखाई नहांती। और देखा प्रति खबर, साउथ सिने जगत में शोकर छाया। 87 वर्ष बयस अभिनेता कौकोला सत्यनारायण को देहांत। दक्षिणीय भारतीय सिने जगत रु आसला दुखद खबर। वरिष्ठ अभिनेता कौकोला सत्यनारायण 87 वर्ष बयस निधन हो जाए। आज सकाळे हैदराबाद स्थित निजर बासभवन में मृत्यु होता जमापड़े। गत किछि मास हेबो से असुस्थ थिले। मृत्यु खबर पाइबा परे दक्षिण भारत सिने जगत रे शोकर छाया खेली जाइछे। तबे अभिनेता कौकोला मृत्यु खबर बामसी और शेखर निजर ट्विटर माध्यम रे शेयर करिछंती। एही ट्वीट आसिया परे दक्षिण भारत सिने जगत रे अनेक कलाकार कैकोला को श्रद्धांजलि ज्ञापन करिछंती। एतिमध्यरे तांकर शेषकृत्य संपन्न होइछि बोली कहा जाउछे। कैकोला 1960 मसीहारे नागेश्वर मां को विवाह करिथिले। तांकर गोटिए झी और 2टी पुओ रहिछंती। से अभिनय व्यतीत अनेक सिनेमा भी प्रयोजना करिथिले। पाखापाखि 750 रु अधिक सिनेमारे से काम मध्य करिछंती। 87 वर्ष कैकोला
वैशाधिक कारण अनेक दिन हम असुस्थ थे। यही कारण अनेक दिन धरी हैदराबाद एक हस्पिटाल चिकित्सा करा हेले सही असुस्थता कारण आज तर देहांत होता जमापड़े। देखा पड़ती खबर सिक्किम बड़ दुर्घटना सड़क तलू खसला सेनार ट्रक 16 जन जवान मृत। सिक्किम ठारे एक बड़ धरण सड़क दुर्घटना होता जमापड़े। शुक्रवार दिन सेनार एक ट्रक सड़क तलू खसी पड़ थ 16 जन भारतीय जवान मृत्यु हो तेरे सूचना पाइबा पर घटनास्थल में भिड़ जमी या सहित उद्धारकारी दल सेठे पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिंट। तेरे सूचना मुताबक सेनार तीनोटी गाड़ी सका जवान को नहीं बाहरी गाड़गुड़ी जवान मानक नहीं चटन रु थंगु पटे जाते जमा रास्त जड़े गाड़ी चालक मोड़े गाड़ी काटि नपरव गाड़ी रास्ता कूल खाल पट को गली पड़ा। आचना मिलवा पर स्थानीय पुलिस पहुंच उद्धार कार्य आरंभ कर कहुच्छे कि 16 जन जवान मृतदेह उद्धार कर चारज जवान को गुरुतर अवस्था हेलिकप्टर सहायतार उद्धार कर एने भारतीय सेना पक्षर बयान जारी करुखद घटनापी मृत जवान पर सेना ठिया हो। देखा पड़ती खबर गोविंद मृत्यु डायरी खुल गोविंद मृत्यु रहस्य गोविंद साहू मृत्यु को पड़ुचे सन्देह सेपटे तनाघना कर क्राइमब्रांच महालिंग कलेज डायरी जबत गोविंद साहू को मृत्यु को नहीं सन्देह बढ़ी चलीचे। गोविंद आत्महत्या करना पर मृत्यु पछरे आउ किछि रहस्य रही पुलिस की क्राइमब्रांच स्पष्ट करूना। यासु भितर तदंत करूथवा क्राइमब्रांच टीम हाथ में लगी गुरुत्वपूर्ण डायरी गोविंद महालिंग कलेज क्राइमब्रांच तदंत करने को जवा समय डायरी को जबत कर टीम कहुच्ची डायरी में किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिल पाए। से आज गोविंद घर को जा पचराउचरा क्राइमब्रांच टीम तेरे द्वंद बढ़ाई सीसीटीवी फुटेज विश्वस्त सूत्र मिलता सूचना अनुसार सीसीटीवी फुटेज देखा गोविंद जेल पछपट को जवा समय हाथ में किसी नाला से खाली खाली जाऊँच किंतु सीसीटीवी टाइमिंग ठीक नदंतर असुविधा हो प्रश्न उठू। गोविंद जदि खाली हाथ में जाते काठ गंडी गामुछा किए जेल पछपट को नहीं जाता। देखा पड़ती खबर आमेरिकार बम साइक्लोन जरूरकालीन परिस्थिति जारी न्यूयॉर्क रे 45 डिग्री पर्यंत खसला पारद जरूरकालीन परिस्थिति घोषणा कले सरकार। संयुक्त राष्ट्र आमेरिकार लक्ष लक्ष लोक एवं शीतर प्रभावित होती ख्रीष्टमास लोक मैंने अनेक किसी योजना करुवा बेले अत्यधिक शीतपाई से घर रहा बाध्य होती बम चक्रवात कारण 14 लाख अधिक घर और व्यवसाय प्रतिष्ठान प्रभावित होते यार कारण भाव ब्लैकआउट बिजुली जोगाण बाधाप्राप्त और तापमात्रा खसवाक दर्शाई। आमेरिकार पश्चिम राज्य मेटान शुक्रवार तापमात्रा 45 डिग्री तलकू खसी चक्रवात तोफान कारण राज्यगुड़िकपम्रा आशोधित भाव तलकू खसी पापाग विभाग सूचना मुताबक आयोबा मोइसेन भान में तापम्रा 37 डिग्री फारेनहाइट रही जहाँ को मात्र 5 मिनिट्रे गरम पानी को बरफ कर दिव। देखा पड़ती खबर अर्चना दस्तखत आणला खंडगिरी पुलिस जबत डायरी अक्षर सह हस्ताक्षर मेल खाइले खोल आहरी गुमर लेडी ब्लाकमेलर अर्चना नाग पुलिस को दे स्पेसीमेन सिग्नेचर झारपड़ा जेल रू कमिशनर पुलिस अर्चना हस्ताक्षर संग्रह कर अर्चना नाग को गिरफ्त पर घर जबत होता डायरी में रही हाथलेखा कहार यह जानापी पुलिस को अर्चना हस्ताक्षर दरकार था तेणु अर्चना दस्तखत पाइबापी खंडगिरी थाना पुलिस कोर्टे आवेदन करते कोर्टों अनुमति पर आज खंडगिरी थाना पुलिस झारपड़ा जेल में पहुंची अर्चना दस्तखत नहीं। देखा पड़ती खबर नवबर्ष पूर्व मोदी सरकार का उपहार आहरी वर्षे मिल मागणा राशन उपकृत हे 80 कोटी हिताधिकारी नुआ वर्ष पूर्व मोदी सरकार लोक उपहार देती एवं लोक मैंने डिसेंबर 2023 पर्यंत मागणे राशन पाइपे। शुक्रवार अनुष्ठित केन्द्र कैबिनेट यह निष्पत्ति नहीं सरकार केन्द्रमंत्री पीयूष गोयल कहते जे जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अनुजाई 80 कोटी लोक एवं मागणा खाद्य शस्य पाइबे। तबे गोयल आहरी डिसेंबर 2023 पर्यंत लोक को खाद्य शस्य पाइबापी गोटे टंका देवाक पड़बना ताकर कहिबा अनुसार सरकार एथिपाई वार्षिक प्राय 2 लाख कोटी टंका खर्च करिवे। जातीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनुजाई सरकार एबे प्रति मास रे जणक पिछा 5 किलोग्राम खाद्य शस्य जोगाउछंती। केंद्र सरकार अंत्योदय अन्न योजना अधीन रे रहितवा परिवार गुडीक प्रति मास रे 35 किलोग्राम खाद्य शस्य पांती। सेप्टेम्बर में मोदी सरकार यह योजना गुड़ को डिसेंबर 31 पर्यंत आउ 3 मास वृद्धि करते योजना एप्रिल 2020 आरंभ कर कोविड अवधि समय यह योजना जरिए
केन्द्र सरकार गरीब लोकों निकट में खाद्य पहुंचा सुनिश्चित करते देखे प्रति खबर चीन में कोरोना तांडव टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट और टीकाकरण उपर गुरुत्व स्थितर समीक्षा कले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री चीन आतंक सतर्क भारत चीन में ओमिक्रन नुआ भारियंट तांडव रचिता बेले भारत सरकार और राज्य सरकार सतर्क होती लोकों पर नुआ नुआ आडभाइजरी जारी कर मास्क पिंधा सामाजिक दूरता मानवा कोविड सतर्कता पालन कहुए लक्षण देखागले संग्रोध रहा कोरोना परीक्षापी कहुए तबे राज्य स्वास्थ्य मंत्री और सचिवों सह बैठक कर केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय तबे जरूरी परिस्थिति उपजिले यार मुकाबला डिसेंबर 27 तारिखर देशव्यापी मकड्रिल होड़शे कैपिटल हस्पिटाल राउरकेला हस्पिटाल समेत राज्य जिला मुख्य चिकित्सालय गुड़िक मकड्रिल सेपटे राज्य में कोविड स्थित को नहीं स्वास्थ्य अधिकारी विशेषज्ञों सह बैठक कर स्वास्थ्य सचिव और विशेषकर चारोटी प्रसंग टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट और टीकाकरण उपर गुरुत्व दि जाए देखा प्रति खबर मोदी सरकार का बड़ निष्पत्ति वन रैंक वन पेंशन व्यवस्था संशोधन उपकृत हे 25 लाख सेना कर्मचारी मोदी सरकार का कैबिनेट वन रैंक वन पेंशन बा एक पदवी एक पेंशन व्यवस्था संशोधन करिसेंति केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर यह सूचना देते वन रैंक वन पेंशन संशोधन होगापर 25 लाख सेना कर्मचारी उपकृत हे पूर्व 20.60 लाख पेंशन भोगी यह योजन लाभवान होते तेज केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर कहते संशोधन जो 8,500 कोटी टंकार भारत सरकार को उपर पड़ यह संशोधन होगापर प्रतिरक्षा बाहन पेंशन भोगी परिवार पेंशन भोगी मैंने प्रस्ताव अनुजाई वर्धित पेंशन पाइबे या छड़ा शहीद विधवा पत्नी और भिन्नक्षम पेंशन भोगी समेत परिवार पेंशन भोगी को सुविधा प्रदान हो यह सशस्त्र बाहन में जोगदेवाई युवक मान आकर्षित कर सरकार यह बकेया राशि 4 अर्धवार्षिक किस्ती में प्रदान वन रैंक वन पेंशन अर्थ हो समान पदवी एवं समान अवधि सेवा लगी सशस्त्र बाहन कर्मचारी को समान पेंशन प्रदान करा देखा प्रवृत्ति खबर चीन को कलबल करोना दैनिक 3 कोटी अधिक संक्रमण संभावना जानतु भारत उपर कौन पड़े प्रभाव कोरोना पुणि थे चीन में काया मेलवा आरंभ करछे किंतु एथर चीन में कोरोना संक्रमण समस्त रेकर्ड भांगी पारे एवं चली संक्रमण लहर सप्ताह के शीर्ष छुए आकलन कर ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस संस्था एयरफिनिटी तेरे चलित सप्ताह दिनक प्राय 3 कोटी 70 लाख लोक कोविड संक्रमित हो पारती जमापड़े चीन में वर्तमान चली लहर और जानुरी आसवाक परवर्ती लहर विशेष भाव में कोरोनार सब रेकर्ड भांगिदेव कहुचे चीन में एवं दैनिक 10 लाख लोक संक्रमित होती दैनिक प्राय 5,000 लोकों मृत्यु होचे तेरे सरकारी भाव यह रिपोर्ट को स्वीकार कर डिसेंबर 1 दिन में 248 नियुत लोक तथा मोट जनसंख्यार 18% संक्रमित होता आशंका करा अनुमान सत हेले जनवरी 2023 चीन में संक्रमण और मृत्युर नुआ रेकर्ड सृष्टि हेबो अनबडे चीन में घातक साजिश कोविड भूताणु ओमिक्रन सब वेरिएंट BF7 हेले भारत पई एबे सुद्धा कोनोसी विपद नथिबा विशेषज्ञ कहिछन्ति तथापि आमको सजग एवं सतर्क रहिबाकु पडिबो बोली विशेषज्ञ माने मत प्रकाश करिवा सहित आडभाइजरी जारी कहिछन्ति देखा प्रति खबर कोरोना संक्रमण को नहीं कड़ा कटकणा विदेश आसिले आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी कोरोना संक्रमण को नहीं कड़ाकड़ी है कटकणा विदेश आसिले आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी कहुए तेज चीन जापान हांगकांग दक्षिण कोरिया थाइलैंड आसिले रिपोर्ट जरूरी पॉजिटिव आसिले संगरोध रहा बाध्यतामूलक सूचना देखते केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय चीन में कोरोनार नुआ भेरिएंट BF7 आतंक खेल पर सतर्क होती भारत सरकार लोकों पर नुआ आडभाइजरी जारी कर मास्क पिंधा सामाजिक दूरता मानवास कोविड सतर्कता पालन कहुए लक्षण देखागले निजक निजे संगरोध रखा कोरोना परीक्षा करने कहुए राज्य स्वास्थ्य मंत्री और सचिवों सह बैठक पर केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय यह निर्देश देते तेरे संभाव्य जरूरी स्थितर मुकाबला स्वास्थ्य क्षेत्र किभली रही है ताणापी आसंता 27 तारिख में देशव्यापी हस्पिटाल गुड़िक मकड्रिल अनुषित होड़शे कैपिटाल हस्पिटाल राउरकेला हस्पिटाल समेत राज्य जिला मुख्य चिकित्सालय गुड़िक मकड्रिल ऑक्सीजन सिलिंडर औषध कोविड सज्जा तथा आईसीयू सज्जार उपलब्धि उपरे फोकस दिया देखा प्रति खबर जियोर जबरदस्त प्लान जियो हापी न्यू ईयर प्लान रे मिलुची प्रतिदिन 2 GB अधिक डाटा तुरंत करंतु रिचार्ज रिलायंस जियो यार समस्त व्यवहारकारी हापी न्यू ईयर 2023 ऑफर घोषणा करिछे एही नूतन योजना रे टेलीकॉम जॉइंट इंटरनेट डाटा असीमित कॉलिंग एवं जियो आप्र लाभ देबो
ଜିଓର ସବିଶେଷ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2023 ଅଫର୍ରେ ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କମ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2023 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଡାଟା ପ୍ରତିଦିନ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଭଳି ଲାଭ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜିଓର 2023 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷ 2023 ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ବୈଧତା ହେଉଛି 252 ଦିନ। ଏଥିରେ ଦୈନିକ 2.5 GB ଡାଟା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 640 GB ଡାଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଏଥିରେ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 100 SMS ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜିଓ ସିନେମା, ଜିଓ ଟିଭି, ଜିଓ କ୍ଲାଉଡ୍ ଏବଂ ଜିଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପରି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2023 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ଜିଓ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଅଫର୍ରେ 2500 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକି 365 ଦିନ ପାଇଁ ଦୈନିକ 2.5 GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ 2999 ଟଙ୍କା ଯୋଜନାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଯାହା 75 GB ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ଏବଂ 23 ଅତିରିକ୍ତ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ 2999 ଟଙ୍କା 912.5 GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 365 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 2.5 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ବ୍ୟତୀତ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରତିଦିନ 100 MSS ପାଇଁ ଦେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଓ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ ମାଗଣା। ଏହି ଉଭୟ ଯୋଜନା କେବଳ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଜିଓ ନୂତନ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଜିଓ ୱେବସାଇଟ୍, ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଫୋନ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ପରେ ମିଳିପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ ଖବର, କରୋନାର ବଢ଼ୁଥିବା ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ। କରୋନା ଭାଇରସର ବିପଦ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଭିଡ଼ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଶରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ନଗଦବିହୀନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା, ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବୀମା କଭରେଜ୍, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେହି ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ନେଟୱାର୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଏହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଜାତି ଜନଗଣନା ଡାଟାବେସ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା।